कर रहा है भारत की जासूसी, भारत के खिलाफ चीन की डिजिटल साजिश, पीएम मोदी सोनिया गांधी ते सीएम कैप्टन समेत वड्डियां हस्तियां दी हो रही है जासूसी। अंग्रेजी अखबार की खबर च होया वड्डा खुलासा, इंडिया दे विच चीन की जासूसी नूं लैके बेहद वड्डा खुलासा होया, जिस दे मुताबक चीन हुण सिर्फ LAC ते ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ते भी भारत दे खिलाफ साजिश रच रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत के वड्डे अहुदियां ते बैठे सियासी लोगों की जासूसी कर रहा है। इस दे नाल ही कई अधिकारियों की भी जासूसी हो रही है। खुलासे के मुताबिक चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 साबका प्रधानमंत्रियों जबकि 40 सूबों के खुलासे के मुताबिक चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई साबका प्रधानमंत्रियों, कई मौजूदा ते साबका मुख्यमंत्रियों, 350 सांसदों अते कानून निर्माता अते MLA मेयर तो लैके सरपंच ते सेना नाल जुड़े 1350 के करीब लोगों की जसूसी कर रहा, जिन्हां दे विच सोनिया गांधी अते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक चीन की एक कंपनी शेनजेन इंफोटेक अते जेनुआ इंफोटेक ये जसूसी कर रही ने, ते जसूसी कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार लिए की जा रही है, जिस दिल इस कंपनी का काम दूजे देशों के उत्ते नज़र रखना है। इस जसूसी ने हुण भारत की चिंता बढ़ा दिती है। दिल्ली तो नितिन तिमान की रिपोर्ट। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 9947 84374 9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।